नमस्ते सर, मेरा नाम उज्जवल भटेवरा है, ये मेरे पापा है और पापा का नाम नरेंद्र भटेवरा है। ये हमारे डॉक्टर साहब फैमिली मेंबर है, डॉक्टर हर्षित राठौड़ साहब। मैं इनका पुराना कस्टमर, ग्राहक, भाई सब कुछ बोल सकते हैं और मैं इनका पूरा भगत हूँ। दांत के इलाज के मामले में मेरे को इन पर इतना विश्वास, अगर ये सर बोल देते कि ये और मैं वही कराता हूँ। पहले पापा का दांत का इलाज पापा के हिसाब से कहीं डॉक्टर से करवाया था तो संतोष नहीं हुआ मेरे को। मेरा इलाज मेरे वाइफ का, मेरे बच्चे का, मम्मी का, डॉक्टर के हाथों से हुआ था, लेकिन पापा दूसरी जगह गए थे, लेकिन वो अच्छे से नहीं हुआ। फिर मैंने पापा को बोला चलो डॉक्टर साहब, मेरे मित्र भी और अच्छे संबंध भी है, चलो वहाँ चलते। फिर पापा को लेके आया मैं एक बार, तो पापा को चेक कराया, पापा को थोड़ा पैरालिसिस भी है, तो उनका और चेहरा भी उनका एकदम अंदर से जा रहा था। तो डॉक्टर साहब को दिखाया मैंने, डॉक्टर साहब पापा को थोड़ा दांत का प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब ने चेक वेक वगैरह किया, बोले अपन धीरे धीरे इनका इलाज चालू करते हैं, अच्छे से कर देंगे। तो पहले स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस हुआ, 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस रहा ये, लेकिन इसमें पापा का चेहरे का लुक इतना अच्छा हो चुका है और डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा से काम किया मेरे को और इतना मेरे को मदद की हर चीज़ में, और मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आज पापा का चेहरा और लुक पूरा इस दांतों की वजह से बदल चुका है और डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया काम किया, लगता नहीं कि हमने पापा को ये पूरे 32 दांत नकली है। कोई कह नहीं कर सकता और जज नहीं कर सकता है, लेकिन अब पापा का चेहरे का भी लुक बदला और उम्र भी कम लगने लग गई और पापा की आवाज़ में भी अच्छा सुधार हो गया इसका दांत लगने से सर। तो अब आपके, मैं तो क्या सर की जितनी तारीफ करूँ कम है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना सहयोग दिया और पापा का ये चेहरा अच्छा हो गया। पापा भी अच्छे से खाने पीने भी लग गए हैं, और पहले खा पीने भी नहीं सकते थे, कुछ होता तो बोलते कर ये तो ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन आज उनको कुछ भी तकलीफ नहीं है दांतों में। हाँ, तो उसके बाद ये पापा का भी खाने पीने का भी अच्छा हुआ और हर चीज़ कड़क से कड़क भी खा सकते हैं। मैं तो एक बार ये भी कहना चाहता हूँ कि दांतों का अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप घर बैठकर उसको ये नहीं देखना कि कुछ नहीं दांत का है, इसको रहने दो, इलाज मत कराओ। एक बार डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मेरा तो सजेशन है डॉक्टर साहब को ही दिखाओ, लेकिन एक बार दांत का इलाज करवाओ प्रॉपर, उससे बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो बाद में वो चीज़ बढ़ती है और फिर आपका खर्चा भी लंबा होता है और काम भी बढ़ता है। तो मेरा अब बोल नहीं सकता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पापा का इलाज इतने अच्छे से किया है। मेरे को बहुत संतोष है, मेरे पापा को भी बहुत संतोष है, और आप भी एक बार मेरे कहने से डॉक्टर साहब को दिखाइए जा रहे, डॉक्टर हर्षित राठौड़ साहब हनुमान डूडी के पीछे हैं। बस अब मैं क्या बोलूँ, मेरा नाम नरेंद्र भटेवरा है और मैं यहाँ 1 महीने उससे आ रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया, मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा लगा कुछ दर्द वर्द कुछ नहीं लगा, हुआ अच्छे से इलाज हुआ पूरा। ओके, थैंक यू सो मच, आप दोनों धन्यवाद।